पुरी में हिंसा हुई उसको लेकर के अब दिल्ली पुलिस ने बीएचपी के लोगों को एफआईआर दर्ज कर लिया क्योंकि वो यात्रा कर रहे थे। गत 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी दिल्ली में जो शोभा यात्रा निकली है उसके बारे में अनेक भ्रांतियां दिल्ली प्रशासन और मीडिया के द्वारा जनता के बीच में फैलाई जा रही, इसलिए मुझे सही पक्ष रखना है और सही जानकारी देने के लिए मैं मीडिया के सामने आज उपस्थित हूँ। हमने विश्व हिंदू परिषद ने 15 तारीख को इस यात्रा के क्षेत्र में जो दोनों थाने पड़ते हैं उन पुलिस थानों को लिखित में सूचना दे दी थी। पुलिस हेडक्वार्टर में भी उसी दिन दिल्ली में निकलने वाली ऐसी 20 शोभा यात्राओं की सूचनाएं भेजी गई थी। उन सभी सूचना जो थी शोभा यात्राओं की स्थानीय थानों को भी दे दी गई थी। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक भी शोभा यात्रा के कैंसिल होने की सूचना हमको नहीं दी गई। जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा में दिल्ली पुलिस ने 1000 लोगों की शोभा यात्रा में सिर्फ 3 पुलिस कर्मी सुरक्षा हेतु भेजे। इस कमजोर कड़ी को देखते हुए और वहां का जो बंगाली और रोहिंग्या मुसलमान और जो आपराधिक प्रवृत्ति के मुस्लिम वहां रहते हैं जिनका नेतृत्व स्थानीय आम आदमी पार्टी का नेता अंसार करता है, उसने दिल्ली पुलिस को झूठे भरोसे में रखकर और एक आपराधिक साजिश रचकर इस हमले की साजिश रची। और जिस समय यह हमला चल रहा था उस समय अनेक पुलिस कर्मियों को भी, अनेक हिंदू समाज के युवकों को भी गंभीर चोटें लगी, गोलियां भी चली। ये सब घटना मीडिया के द्वारा संपूर्ण जनता ने देखी है। पहले दिन 16 तारीख को जो दिल्ली पुलिस का निर्णय था वह ये था कि ये एक सुनियोजित साजिश है जिसके प्रमाण उनके द्वारा दी गई, उनके द्वारा फाइल की गई एफआईआर नंबर 440 में भी मिलता है। अगले दिन दिल्ली पुलिस ने मुस्लिम नेतृत्व जिनमें ओवैसी और ऐसे अन्य नेता हैं उनके दबाव में आकर अपना स्टैंड बदल लिया और जिन अपराधियों ने शांत हनुमान भक्तों की शोभा यात्रा पर हमला किया उनको गिरफ्तार किया, लेकिन उनके साथ में जो शांतिपूर्वक ढंग से शोभा यात्रा निकाल रहे थे और जो हमले के शिकार हुए हैं उन हिंदू नौजवानों को भी गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। स्पष्ट यह नजर आने लगा है कि दिल्ली पुलिस ओवैसी और केजरीवाल जैसे नेताओं के दबाव में काम करने लगी है और जो अपराधी हैं उनको पकड़ रही है और बैलेंस बनाने के लिए निरपराध हिंदुओं को भी पकड़ रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब ने जो ये वक्तव्य जारी किया है कि शोभा यात्रा बिना अनुमति के निकाली गई है वह तथ्यों से परे है। ये सब हम जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की कार्यशैली है कि वह किसी को भी अनुमति नहीं देती है, केवल सूचना पत्र को रख लेती है और यदि उनको लगता है कि अनुमति नहीं देनी है तो वह कैंसिल करने का पत्र देती है। ऐसा ही एक पत्र दिल्ली पुलिस ने हमको 17 तारीख को शाहदरा जिले की शोभा यात्रा को कैंसिल करने के लिए भेजा था और हमने उस शोभा यात्रा को स्थगित भी कर दिया। विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल पर यह दोष मढ़ना कि हमने बगैर अनुमति के शोभा यात्रा निकाली, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इस आरोप को लगाना बंद करें। हम पुलिस कमिश्नर साहब से मिलने उनके ऑफिस में 17 तारीख रविवार को गए भी थे और पुलिस कमिश्नर साहब ने हमसे कहा कि जब हम आपसे कहते हैं कि फला क्षेत्र संवेदनशील है वहां से शोभा यात्रा मत निकालिए तो आप लोग मानते नहीं है। तो मुझे ये उनको बताना पड़ा कि ये इस प्रकार से जो आप कह रहे हैं इस तरह से तो आप पूरी दिल्ली को ही संवेदनशील बना देंगे, क्योंकि यदि दिल्ली को हमने हिंदू और मुस्लिम इलाकों में बांट दिया तो कल जब मुस्लिम समाज के ताजिया या मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे या कोई दूसरा धार्मिक जुलूस निकलेगा तो उस समय हमें आपको ये कहना पड़ेगा कि ये हिंदू इलाकों से यात्राएं ना निकले। उन्होंने समझकर उसी समय ही अपना स्टैंड बदला और कहा मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि दिल्ली को इस प्रकार इलाकों में बांट दिया जाए। मैं आदरणीय आयुक्त महोदय से ये अपील करना चाहता हूं कि वह किसी भी सेकुलर या मुस्लिम नेताओं के दबाव में ना आए, क्योंकि यदि आज दबाव में आकर उन्होंने गलत तरीके से निरपराध हिंदुओं को गिरफ्तार किया तो भविष्य में ये घटना अपराधियों के लिए उदाहरण बन जाएगी और हिंदू समाज निरपराध होते हुए भी प्रशासन के द्वारा इस तरह की कार्रवाई अगर हुई
तो निरपराध हिंदू जो है समाज जो है वो प्रताड़ित होगा और इस तरह से अपराधियों को एक उदाहरण मिल जाएगा और वो अपने इन कार्यों को बढ़ाना शुरू कर देंगे। मैं हर राजनेता को भी ये समझाना चाहता हूं कि हिंदू समाज इन सबको मीडिया पर देख रहा है, उनके प्रवक्ताओं को सुन भी रहा है, जो भी करना है जो भी कहना है राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर करें। मैं आज यहां सार्वजनिक घोषणा करता हूं कि हिंदू समाज और राष्ट्रहित के लिए यदि हमको झूठे मुकदमे ही झेलने पड़े और हम विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं, आप हमको इस प्रकार के झूठे मुकदमों के दबाव में लाकर हिंदू समाज के त्योहारों को मनाने के हमारे संवैधानिक अधिकार से पीछे नहीं हटा सकते। ये मैं विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के अध्यक्ष होने के नाते सार्वजनिक घोषणा कर रहा हूं कि दिल्ली को जिहादियों के इस प्रकार के आक्रमण से मुक्त कराने का विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प लिया है और हम अपने इस संकल्प को तन मन धन से पूरा करेंगे। जय श्री राम। आगे